अस्सलामुअलैकुम। मैं रिव्यू शेयर करूंगी वो है SCS का, यानी सच्चा स्टार का नेचुरल ग्रो हेयर ऑयल। मैं इस ऑयल को तकरीबन बहुत अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मेरे और मेरी बड़ी बेटी के बाल तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन मेरी छोटी बेटी के बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है। जब मैं उसकी कंघी करती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे इसके बाल बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, लेकिन जब से इस ऑयल का इस्तेमाल शुरू किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाल, मैंने इसके बालों में ये ऑयल लगाना शुरू किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बालों में जो है ना ये देखें बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। नहीं तो इस तरह से इसके, यानी जब मैं इसकी बाल देना थी इस तरह से इसके बालों में से स्किन नजर आती थी, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसके इस्तेमाल से बाल बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं और लॉन्ग भी हैं, ठीक है। ये कुछ दिन पहले ही इसकी कटिंग करवाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और जो है ना बाल थिक हो चुके हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे, ये देखें। अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो स्किन बहुत मुश्किल से नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन जो पहले इसके बालों में कंघी करते हुए मैं आपके सामने इसके बालों में देखें ऑयल लगाने लगी, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ा सा जो है ना इसके जड़ों में लगा देती हूँ, खुद ही जो है ना रूट से निकल के खुद ही जो है बालों की लेंथ करा देता है। इसके सारे जितने बाल हैं जितनी मतलब इस तरह स्ट्रिप्स निकाल के ठीक है, और इस तरह लगा दी, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगता है और पूरे बालों में आ जाता है, ठीक है। इनका चंद जगहों पे लगाऊंगी और वो सारे बालों में खुद ही जो है ना वो फैल जाए। और इसके इस्तेमाल से इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि आप इसको यूज करें एक से दो बार के इस्तेमाल से आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। बस इतना सा ऑयल लगता है और फिर मैं इतना सा हाथ पे लेती हूँ और इस तरह जो है ना पूरे बालों में जो है चंपिंग कर दूंगा, ठीक है। अच्छे से चंपिंग करनी है आपने, जस्ट इसको जो है ना जड़ों में लगाया, ठीक है। जड़ों में लगाएं पूरे बालों में खुद खुद ही ऑयल आ जाता है, देखिए यहाँ तक खुद ही ऑयल आ जाएगा। इस तरह ऑयल लगाया और बाद में चंपिंग कर दी, ठीक है। और फिर जो है ना इसको दो घंटे के लिए इसको छोड़ देना और दो घंटे के बाद फिर इसी शैम्पू के साथ, जिस शैम्पू के साथ मैं वॉश करूंगी उसका फिर मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, फिजाए जैसिस हेयर। आज मैं सक्सेस चेजर स्टार के हेयर ऑयल का रिव्यू दूंगी जो बहुत अमेजिंग है। इसमें 21 जड़ी बूटियाँ लाइक आमला, रीठा, सिकाकाई और इसके हेयर फॉल पे अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मेरे फादर के हेयर्स पे बहुत अमेजिंग इसका रिजल्ट आया, उन्होंने थोड़े टाइम के लिए हेयर ऑयल यूज़ किया था बट छोड़ दिया, अब हेयर फॉल बिल्कुल भी है ही नहीं। तो ये और भी आपके हेयर्स इशू पे काम कर, इसका टेक्सचर देखें आप, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, आपके हेयर्स को ग्रीसी नहीं करता और मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, लाजमी यूज़ करें आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये SCS नेचुरल हेयर ग्रोथ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये फ्रिजीनेस के लिए, डेंड्रफ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत 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 अच्छा है। इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है, ये देख लें आप। मैंने अभी आधी से कम हो गई है ये बॉटल और दो महीने ही मैंने यूज़ की है। पहले महीने में ही मुझे इसका फ़ायदे नज़र आना शुरू हो गए थे, मेरे बालों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी, जो अब माशाल्लाह मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी खासी हो गई है। मैं शो नहीं कराना चाहती आपको बाल अपने, बट ये कि बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इसके अलावा डेंड्रफ 3 से 4 दफ़ा मैंने यूज़ किया, तो डेंड्रफ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। फ्रिजीनेस तो जैसे मेरे बाल बिल्कुल जैसे बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे सिल्की स्मूथ बाल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगी, हाईली रिकमेंड करूँगी ये कि ये सारे ये हेयर ऑयल यूज़ करें। एक दफ़ा आप मेरे कहने पे यूज़ कर लें कि आपको महीने के अंदर जितने भी आपको बालों के जितने भी इश्यूज़ हैं ना सब सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।